हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। गाइस सॉरी, बहुत लेट हो गया आज रीडिंग के लिए। टॉपिक लेके आई हूँ जो पर्सन आपके लाइफ में अभी करंटली है। हो सकता है ये पर्सन अभी आपके लाइफ में इनकी एंट्री हुई हो, इन्होंने अप्रोच किया है आपको और आप जानना चाहते हैं कि इनके ट्रू इंटेंशन क्या है टूवर्ड्स यू। और एक क्वेश्चन और ऐड करूँगी कि इनके साथ आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर में आपका और इनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। अब ये पर्सन उस टॉपिक में मैं नहीं जाऊँगी क्या है, बट इतना समझ लो कि ये पर्सन आपके लाइफ में अभी अभी जुड़े हैं, या फिर ये पर्सन आपके लाइफ में हो सकता है आपका कोई ट्रॉमेटिक पीरियड था तब ये पर्सन आपको जुड़े हैं। तो इस पर्सन की ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू क्या है, मुझे पूछा था ये क्वेश्चन किसी ने, तो मैंने सोचा चलो निकाल देते हैं। तो जिस पर जो भी पर्सन आपके लाइफ में, आप जो भी लव पार्टनर आपके लाइफ में अभी है जिनसे आप प्यार करते हैं, तो जो आपके लाइफ में अभी अभी इनकी एंट्री हुई है, या तो अभी अभी हुई है, नहीं तो पहले से इन्होंने आपको अप्रोच करके रखा है, और आप जानना चाहते हैं इनके साथ आगे बढ़ने से पहले आप जानना चाहते हैं कि इनके ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज कम एंड गाइड मी, क्या है इस पर्सन के ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू। टावर, जब ये पर्सन आपको मिले ना, तब आपके लाइफ में बहुत ट्रॉमा चल रहा था, मैंने वही बोला। कुछ तो लॉस आपको हुआ था, हो सकता है कि किसी का रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है कि किसी का डिवोर्स, या फिर किसी के पर्सन इनको हमेशा के लिए छोड़ के चले गए, और ये पर्सन ऐसी मुश्किल हालात में आपसे मिले, इन्होंने आपको अप्रोच किया, आपको प्रपोज किया इन्होंने। सेवन ऑफ हैंड्स, बहुत सारी मुश्किलों से इन्होंने आपको प्रोटेक्ट भी किया है, निकाला है, इन्होंने सेफली आपको निकाला है। ये पर्सन आपकी स्ट्रेंथ बने, सहारा बने। क्वीन ऑफ वैंड्स, जैसे ये पर्सन आपके लाइफ में आए वैसे ही आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस जैसे जाग उठा, लाइफ अच्छे से जीने लगे आप, फिर से खुद की तरफ ध्यान देना, अच्छे से बनना संवरना, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन में आप लगे, आपने अपने ऊपर आपने ध्यान देना, और आप में एक बदलाव आ गया, जैसे कि आपने अपना कॉस्ट्यूम बदला, हेयर स्टाइल बदली, कॉन्फिडेंट हो गए, कॉन्फिडेंटली आप अपने काम करने लग गए। ये पर्सन बहुत ही समझदार पर्सन है, विजडम वाले पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है। एक हो सकता है किसी ऑथोरिटी पर्सन, ये पर्सन पेशे से या तो डॉक्टर हो सकते हैं, एनर्जी रिलेटेड पर्सन ये हो सकते हैं, बट जहाँ से इन लोगों की लोग राय मानते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ये पर्सन है। एस ऑफ सोर्स में, इनकी तो ये नहीं निकाल रही हूँ मैं, कार्ड देख के ये आपको कब कैसे मिले ये मैं बताऊँगी, बट जब मैं कार्ड प्रिडिक्ट करूँगी तो ये आपके लिए क्या सोचते हैं इन्हीं कार्ड से मैं बोलूँगी। ये पर्सन ना बात करने में बहुत रूडली बात करते हैं, मतलब क्लियर कम्युनिकेशन होता है इनका, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कभी कभी रूडली साउंड हो जाता हो, जस्ट इग्नोर द नॉइज गाइस। नाइट ऑफ वैंड्स, प्रपोज से किया है इस पर्सन ने, क्या है इस पर्सन के ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स यू। फाइव ऑफ सोर्स, क्या अभी भी कुछ अनबन होती है आप दोनों में, एंजाइटी,
ऐसा क्या होगा अभी, इतनी तो अच्छी नज आ रही थी, सडनली क्या हो गया, कुछ झगड़े हुए क्या आप दोनों में, सो नहीं पा रहे आप, कुछ इंटरनल मनमुटाव, मेंटली मनमुटाव, कुछ हेल्थ इश्यू, किस चीज़ को लेके गिल्ट हो रहा है, स्ट्रेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है, मैरिज मैजिशियन। देखते हैं ये पर्सन की ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स यू क्या है। देखिए डेफिनेटली जब ये पर्सन आपको मिले, आपके लाइफ में कुछ तो बहुत बड़ी उथल पुथल हुई थी, इन्होंने आपको अप्रोच किया, ये आपके लाइफ में आए, ये पर्सन आपको बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं, कॉन्फिडेंट समझते हैं, इंडिपेंडेंट आप पर्सन हो, आप काफ़ी समझदार हो, मैच्योर हो, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक आप पर्सन हो, जैसे पूजा करना, धर्म से जुड़े अच्छी अच्छी बातें आप करते हो, कर्म करते हो, एक अच्छी एनर्जी आप में देखते ये पर्सन, कि जैसे एक सूझबूझ वाले पर्सन हर किसी को अपने लाइफ में चाहिए, ऐसे पर्सन ये आपको समझते हैं। हाँ आप भी हो सकते कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, और आपको कुछ भी बातें ऐसे शुगर कोट करके बातें करना आपको अच्छा नहीं लगता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो अच्छी बात है, आप बहुत ही पैशनेट हो, यंग आप हो, अगर एज आपके ज़्यादा हो तो भी आप बहुत यंग दिखते हो, ब्यूटीफुल हो, आप अपने एज से ज़्यादा यंग आप दिखते हो, और ये इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, जिस तरह से आप अपने एनर्जी से काम करते हो तो ये चीज़ें पर्सन को अट्रैक्ट करती है। हाँ बट आप में जो रहता है ना कि आप या तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली आप बातें करते हो, तो इस कारण हो सकता है आप दोनों में झगड़े भी होते, इस कारण ये पर्सन बहुत दुखी भी हो जाते हैं आपके बातों से, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और थोड़ा रूड साउंडली हो, शायद आपका भी उनका भी, इसीलिए मुझे लगता है कि आप दोनों में डेफिनेटली कुछ ना कुछ आर्गुमेंट होते हैं। ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है जिस पर्सन ने अप्रोच किया है, हो सकता है इनके साथ शादी हुई हो, या फिर शादी जैसी बात चल रही है, या फिर इस पर्सन के दिमाग में है आपसे शादी की जा सकती है। देखिए इन चीज़ों के लिए इतना आपको टेंशन नहीं लेना, ये हर कपल में ये चीज़ें होती रहती हैं, बट आपके लिए मैं देखूँ तो ये पर्सन जेन्युइनली आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और आपको एक बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं, अट्रैक्टिव समझते हैं, कॉन्फिडेंट हो आप, आपको पता है कि हालातों से किस तरह से सामना किया जा सकता है, किस तरह से हालातों से निकला जा सकता है, ये आपको बड़े अच्छे से पता है। टेम्परेंस, जब आपके लाइफ में इतना बड़ा सडनली कोलैप्स हुआ था, तो वहाँ पे जिस तरह से आप अपने आप को बैलेंस करने में लगे थे, ये पर्सन ने देखा है अब जिस तरह से अपने आप को बैलेंस करने में लगे थे, तो इस पर्सन ने डेफिनेटली देखा है क्या है इनके ट्रू इंटेंशन, नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, आपके जमाइकल प्लीज क्लेरिफाई मी, आपने इतने बड़े लॉस को अच्छे से बैलेंस कर लिया है, ये इस पर्सन ने भी आपकी डेफिनेटली हेल्प की है, बट खुद की भी स्ट्रेंथ जहाँ पे ऐसे हालात से निकलने बात चाहिए, तो अपने आप में बहुत ही स्ट्रेंथ वाला काम है। नाइट ऑफ कप, यस आप लगते हो इस पर्सन को उनके सोलमेट, इनको लगता है आपका इस जन्म का नहीं, काफ़ी जन्मों से आप दोनों का रिश्ता है, ये पर्सन समझते हैं। देखिए इस पर्सन को शायद हो सकता है इतनी डीप नॉलेज ना हो कि ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या, इतना तो नहीं, बट इस पर्सन को डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपसे साथ जुड़ना, आपके साथ बातें करना, एक फ्रेंडली बॉन्ड शेयर करना, इस पर्सन को अच्छा लगता है। ये हो सकता है आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज टाइम फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर ऐसे फ्रेंड जो आपको काफ़ी साल पहले आपका और उनका कनेक्शन नहीं था, ये आपसे अभी जुड़े हैं, यही मैंने बोला सेवन ऑफ वैंड्स का क्लेरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ सोर्स। ये पर्सन डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस से है, ये पर्सन हो सकता है जिस पर्सन ने आपको अप्रोच किया ये पहले आपको छोड़ के गए थे, और ये वापिस इस पर्सन की एनर्जी आपसे जुड़ने की आ रही है। यहाँ पे हो सकता है कि किसी के यही पर्सन जो आपको छोड़ के गए थे ये वापिस आपके लाइफ में आए हैं, और आप जानना चाहते हैं कि अब जो आए हैं तो इनका इंटेंशन क्या है आपके लाइफ में, आपसे लाइफ में फिर से जुड़ने का।
तो ये एक एनर्जी है, एक एनर्जी ऐसी है कि कोई फॉरेन कनेक्शन है जो हो सकता है कि आपके लिए एक्शन लेता है, आपके लिए मतलब एक बोलते हैं ना स्टैंड लेता है, ये हमेशा इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड लिया है, ये कोई फॉरेन कनेक्शन मुझे दिख रहा है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, भले दूर है बट इस पर्सन ने हमेशा आपका सपोर्ट सिस्टम बना है, आपकी स्ट्रेंथ बनी, आपकी पावर बनी, आपको जिस तरह से आप अपने ही लाइफ में उलझे थे, आप इस लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, हालातों का सामना कर रहे थे, उस टाइम इस पर्सन ने भले पास है या फिर दूर है बट इस पर्सन ने आपको मदद की है। क्वीन ऑफ वैंड्स, यस, आप इस पर्सन को बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, अट्रैक्टिव लगते हो, और एक जैसे कि अफेक्शन इस पर्सन को आपको लेके हो गया है, आपके साथ एक नया कनेक्शन, नया लव ये तो पर्सन डेफिनेटली स्टार्ट कर करना चाहते हैं, और इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके जेन्युइन लव ही मुझे दिख रहा है। और भी ये पर्सन हो सकता है कि आप ही के पर्सन थे जो आपको छोड़ के गए थे, बट ये वापस आपके लाइफ में आए हैं, और अब ये पर्सन आपके साथ एक नए प्यार के साथ एक रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि जो टावर मोमेंट आपको देखे गए थे, जिस तरह से आपने अपने आप को ये बैलेंस की एनर्जी की है, तो ये बैलेंस टावर एंड देन बैलेंस एंड देन मुझे सडनली क्या दिख रहा है कि आप आ गए भाई, आप बिल्कुल क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ गए, इतने ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव जो कोई भी देखे शायद आपको देखे हुए अट्रैक्ट हो जाए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन देखे तो ये पर्सन भी अब नहीं रह पा रहे, अब इनको लगता है कि आपके साथ एक नई स्टार्ट की जाए। सिर्फ आप ब्यूटीफुल ही नहीं बने, आप बहुत समझदार, मैच्योर और इतने मतलब ऐसे पर्सन बन चुके हैं ना कि वो समझ ही नहीं पा रही कि मैं अगर यही पर्सन आपको छोड़ के गए थे तो जिसको मैं छोड़ के गया था वो क्या है, और जो लाइफ में मुझे मिल रही है वो मिल रहा है वो पर्सन क्या है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के इस पर ये पर्सन तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हाई प्रिस्टेस, और अगर ऐसा नहीं है तो जो कोई भी नया पर्सन आपके लाइफ में आया है तो ये आपकी समझदारी, आपकी ब्यूटी देख के बहुत ही आप पे मैं बोलूँगी फिदा है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है, आप एनर्जी देख लेना गाइस, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं फीमेल हूँ तो मैं वैसे ही बोल रही हूँ, आप देख लेना अगर आप मेल फीमेल इस अकॉर्डिंग। आर्कएंजल माइकल प्लीज क्लेरिफाई हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, एडवेंचरस है, और बोलते हैं ना कि आपको पता है कि अब लाइफ में कुछ भी हो जाए आपको पता है कि आपको किस तरह से खुद को बैलेंस बनाना है, खुद को खुश रहना है, अपने आप को एक सेल्फ लव सेल्फ हैप्पीनेस की एनर्जी में कैसे रखना है। यहाँ पे एनर्जी की जो कुछ ख़त्म होने के बाद जिस तरह से आपने खुद पे ग्रो किया है, खुद की स्टार्ट की, खुद को इनिशिएट किया है एक विजडम के साथ, ब्यूटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो देख के ये पर्सन सच में आप में ही खोना चाहते, आप में मस्त लग रहे। ये फुल की एनर्जी मुझे बड़ी अच्छी इंडिकेट कर रही है यहाँ पे, जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिस तरह से आपने आपको अपने हर रंग में डला है, नेचर का स्वाद ले रहे हैं, ब्यूटी विजडम के साथ जिस तरह से आप जा रहे, तो ये पर्सन बड़ी ही ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, आपकी हर चीज़, हर बात, हर एक्शन, हर आपकी चीज़ ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है। और जैसे जैसे आपके ऑब्जर्वेशन के बाद ये पर्सन को लग रहा है आपकी और अच्छी अच्छी एनर्जी वो पर्सन जान पा रहा है, रिसीव कर पा रहा है, तो वैसे वैसे ये पर्सन आप में और ज़्यादा खोते जा रहा है। एस ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ फैंड्स, मैंने बोला इस पर्सन ने एक नई स्टार्ट करने की एनर्जी तो डेफिनेटली है, जो नया भी है, एक्स भी है, नेक्स्ट भी है, कोई भी है, बट जो कोई भी पर्सन आपके लाइफ में है लव कनेक्शन लेके, तो इस पर्सन के आपके साथ एक नई स्टार्ट की एनर्जी, और यहाँ पे ना क्लैरिटी के साथ ये पर्सन आपके साथ कोई भी रिश्ता बढ़ाएंगे और कॉन्फिडेंटली जाएंगे आपके साथ। यहाँ पे मतलब ऐसा कोई शुगर कोट नहीं, कुछ छुपाना नहीं, कुछ सीक्रेट्स नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी, ये पर्सन क्लैरिटी के साथ ये पर्सन जाएंगे। नाइट ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, टेन ऑफ कप, यस, प्रपोज मुझे लगता है किसी के पर्सन ने ऑलरेडी मैरिज के लिए पूछा है आपको, बट आप शायद अभी भी क्योंकि फाइव ऑफ सोर्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है टू ऑफ पेंटेकल्स,
आप कुछ कंपेयर की एनर्जी में, आपके आपके अंदर में खुद की मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है कि हो सकता है आपके पास्ट का रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, क्योंकि टावर से एनर्जी शुरू हुई है तो वो टॉक्सिक था, उसने बहुत गलत आपको एक्सपीरियंस दिए थे, तो इसीलिए ये पर्सन भले कितनी ही जेन्युइन तरीके से आपको अप्रोच कर रहे हैं बट आपको इनको लेके काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज है, आपको एनजाइटी, आप इतना आसानी से भरोसा नहीं कर पा रहे, आप कंपेयर कर रहे हैं हालात को, सिचुएशन को जो पास में हो गए वो इसको, और जो ये अभी हो रहा है, और ये आपके अंदर ही जो चल रही ना स्ट्रगल, एक तरीके से एक लड़ाई चल रही है आपके अंदर ही, और ये पर्सन भाप रहे हैं कि जिस तरह से आपकी इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, आप कंपेयर के एनर्जी में, ये पर्सन वो भी देख रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपको बिल्कुल बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? जी हाँ, मैंने मैजिशियन की एनर्जी है, देखते हैं और एक कार्ड। देखिए, आप मैनिफेस्ट तो आपने किया था, जो स्ट्रेस एंजाइटी से आप जा रहे थे, डिप्रेशन से आप जा रहे थे, आप बहुत ही इस एनर्जी में, आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यू भी थे, बट ये पर्सन एक मैजिशियन के तौर पर ही आपके लाइफ में आए हैं और इन्होंने आपके लाइफ में आपको स्टेबिलिटी देना ही इनका प्योर और बिल्कुल ही जेन्युइन इस पर्सन का मुझे मोटिव लगता है, मुझे कुछ भी इस पर्सन के इंटेंशन में गलत नहीं लगता है। देखिए, आपको लेके क्या सोच रहे हैं, आपको, आप उनकी भी एनर्जी क्लेरिफिकेशन में मैजिशियन आता है और ये पर्सन आपको भी हाई प्रिस्टेस समझते हैं, मतलब ये बिल्कुल अपने ही तोल मोल पे आपको लेते हैं, ये आपको इमोशनली वैल्यू दे रहे, रिस्पेक्ट दे रहे, अपने लाइफ में सब कुछ देना चाहते, ये पर्सन स्टेबिलिटी ये पर्सन देना चाहते, बट मुझे लगता है आप अभी भी कुछ निगेटिव एनर्जी से या फिर एंजाइटी से अभी भी आप उलझ रहे हो, और जिसके चलते ही आप बीच बीच में आपका थोड़ा बैलेंस हिल जाता है, ये इनर कॉन्फ्लिक्ट में फिर तब्दील हो जाता है, और हो सकता है कि यहाँ पे मैंने ये बोला मैजिशियन की एनर्जी, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही मैच्योर है, बैलेंस है, ये पर्सन कम्प्लीट बैलेंस है, अपने आप में एक कम्प्लीट एनर्जी है। फोर ऑफ हैंड्स आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फोर ऑफ हैंड्स की एनर्जी। डेफिनेटली इस पर्सन के साथ मुझे तो शादी होती हुई दिख रही है आपकी, क्योंकि यहाँ पे मैरिज के दो कार्ड्स आए गाइस। फोर ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी व्हाई फोर ऑफ हैंड्स हियर। फोर ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है डेथ, और देखती हूँ। बॉटम ऑफ यहाँ पे टॉप कप है, मैं इस और डेक से लेती हूँ डेथ की एनर्जी क्यों है। जैसे कि जो कुछ भी टॉक्सिसिटी थी ना आपके मैरिज रिलेशनशिप में, अगर ऑलरेडी आप कहीं मैरिड थे और वहाँ से आपको बहुत गलत एक्सपीरियंस मिला था और वो कुछ ख़त्म हो गया है, तो एक ख़त्म होने के बाद एक नई एनर्जी, कुछ बहुत बड़ा बदलाव आपके रिश्ते में आ रहा है। यहाँ पे एक एनर्जी ये भी लगती है कि ऑलरेडी हो सकता है आप इस पर्सन के साथ मैरिड हो और ये पर्सन आपको बीच में छोड़ के गए थे किसी भी सिचुएशन के चलते, और ये पर्सन वापस आपको आपसे जुड़ रहे हैं। बट जो मैरिड रिलेशनशिप के लिए अगर मैं ये रीडिंग लूँ, आप ऑलरेडी अगर मैरिड है और आप ही के हस्बैंड आपके या फिर आप ही की वाइफ आपके लाइफ में आ रहे, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा एक अलर्ट का मैसेज आ रहा है कि जैसे कि फिर कुछ ख़त्म होने को है, मैं फिर भी देखूँगी। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी, इतने हेवी एनर्जी क्यों दी आपने, प्लीज़ क्लेरिफाई डेथ, यहाँ पे डेथ क्यों है, या फिर मैरिज रिलेशनशिप में बहुत बड़ा बदलाव तो होने वाला है, ये तो डेफिनेटली बोलूँगी यस। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और इस पर्सन के साथ अप्रोच कर रहे हैं, बहुत कुछ गलत चीज़ें हुई थी जो एंड हो जाएगी, और ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, प्रपोज करेंगे, ऐसा नहीं है तो ऑलरेडी आप किसी मैरिड रिलेशनशिप से गुजरे हैं जो बहुत टॉक्सिक था, जिसने आपको बहुत परेशान किया था और आप चाह रहे थे कि उससे मुझे छुटकारा मिल जाए, ये वहाँ से आपको छुटकारा मिल के मुझे लगता है जो जिस पर्सन ने आपको अप्रोच किया है, नया वाला पर्सन भी आपको मैरिड के लिए पूछेगा। मतलब एक रिलेशनशिप अगर आपका था और मैरिड है या फिर मैरिज जैसा है, उसके ख़त्म होने के बाद कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नया पर्सन जा रहा है, वो आपको प्रपोज करेगा। यहाँ पे प्रपोज के दो कार्ड आए हैं यहाँ पे, और हो सकता है
किसी किसी के लिए हो सकता है कि जो पर्सन नए तरीके से आपके लाइफ में आया है, मैरिड नहीं थे आप, लिविंग में थे या फिर रिलेशनशिप या फिर आपका जस्ट एक कम्युनिकेशन वाला रिलेशनशिप था और वो एंड होने के बाद किसी नए पर्सन ने आपको अप्रोच किया है, तो वहाँ पे ये पर्सन आपको शादी के लिए पूछेंगे। आप ऑलरेडी कहीं और मैरिड है और कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आया है और ये आपका कुछ और रिलेशनशिप है और आप जानना चाहते हैं ये जो नया पर्सन लाइफ में आया है उसके इंटेंशन क्या है, तो उसके इंटेंशन भी काफ़ी जेन्युइन है। मुझे यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं लग रहा है, बट कुछ एक चीज़ ख़त्म होने के बाद, बहुत बड़ी मेजर चीज़ ख़त्म होने के बाद कोई नई अप्रोच लाइफ में आ रही है। अगर आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे एनर्जी शुरू होती है टावर से, यहाँ पे एंड होती है डेथ पे, और बॉटम दोनों के बिल्कुल अच्छे हैं। यहाँ पे टू ऑफ कप है, यहाँ पे मैजिशियन है, तो एक चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ख़त्म हो रही है लाइफ में, और जो नई शुरुआत हो रही है लाइफ में वो काफ़ी अच्छी है। ये तो ट्रू इंटेंशन मैंने देख ली कि जैसे कि ये पर्सन चाह रहे कि अगर आप ऑलरेडी किसी गलत मैरिज कनेक्शन में है, रिलेशनशिप में, तो वो ख़त्म हो जाए ताकि मैं शादी के लिए अप्रोच करूँ, ऐसी एनर्जी। अब देखते हैं इस पर्सन के साथ अगर आप जाते हैं तो फ्यूचर क्या रहेगा। अगर आप ये जो पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, इस पर्सन के साथ आप जाते हैं तो आपका उसके साथ फ्यूचर क्या रहेगा। जनरल रीडिंग है गाइस, इसको जनरल रीडिंग के आधार पर ही आपको लेना है, जस्ट गाइडेंस के तौर पर ही मैं बोलूंगी, पर्सन कंसल्टेशन नहीं है आपकी। एक बार मैं अच्छे से क्लींजी कर लेती हूँ इनको। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। जो पर्सन जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनको अप्रोच कर रहे हैं, इनके साथ इनका फ्यूचर क्या रहेगा, प्लीज गिव मी करेक्ट एनर्जी आर्कएंजल माइकल। थैंक यू। हाई प्रिस्टेस, ये बार बार हाई प्रिस्टेस की बहुत एनर्जी आ रही है। आप में से कोई लोग हीलर है, एनर्जी वर्कर है, ऐसा कुछ है क्या, डॉक्टर, मेडिटेशन जैसी चीज़ें करते हो आप, कोई चर्च में काम कर रहा हो। डेस्टाइन कनेक्शन तो है, बट यस जी, प्यार तो बहुत करेंगे ये पर्सन आपको भी, बट बीच बीच में ना कुछ आइसोलेशन जैसे कि किसी का वीकनिंग हो रही है, किसी को रियलाइज़ किया जा रहा है कि आप कौन हो, किस लिए आए हो और क्या सही। यस, मैरिज तो है, डोंट वरी, इस पर्सन के साथ आप जा सकते हैं, सही है ये पर्सन। अब तक तो एनर्जी बड़ी अच्छा ही है, आगे और देखते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। क्या है इस पर्सन के साथ इनका फ्यूचर, विश फुलफिलमेंट है गाइज आपकी इस पर्सन के साथ। शायद आप यही कनेक्शन, ऐसा ही पर्सन अपने लाइफ में चाहते थे, जो आपको अनकंडीशनल प्यार करे, जो आपकी वैल्यू करे, आपके नॉलेज की कद्र करे, ऐसा मैरिज दे जो आपने कभी सोचा था, ऐसा कनेक्शन दे जो आपने कभी सोचा था। हैप्पीनेस अबंडेंस ये पर्सन आप जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, इनके साथ आगे मुझे दिख रहा है। फ्यूचर तो बिल्कुल ही पॉजिटिव सेट है। क्या है इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी विथ करेक्ट एनर्जी। लवर, ये तो आपके डेफिनेटली ट्विन फ्लेम मुझे लग रहे, क्योंकि 11-11 एंड देन लवर, वहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ कप था, तो हाई वाइब्रेशन सोलमेट है, नहीं तो लवर है ये पर्सन आपके जो आपको मिले हैं। मुझे किसी ने पूछा था कि ट्विन फ्लेम ऑफ मैजिशियन, देखिए हाई प्रिस्टेस मैजिशियन आते, ये आपके एक दूसरे के स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट हो क्या, आपने जो मैनिफेस्ट किया था ना गाइस इस टॉक्सिसिटी से, जब आप जूझ रहे थे तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, ऐसा पर्सन आपको मिले और वो मुझे मिलता हुआ, या फिर किसी के लाइफ में ऑलरेडी ये पर्सन आ गया है,
यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ पेंटेकल एंड सिक्स ऑफ पेंटेकल्स। ये पर्सन आपके साथ एंजल की ब्लेसिंग है गाइस, क्या ही बोलूँ मैं, इतनी अच्छी इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। क्लेरिफिकेशन में ना हो सकता है कोई चैलेंजेस आते हैं या क्या आता है, ये क्लेरिफाई होता है। अगर मैं मैन एनर्जी में यहाँ पे बोलूँ तो इस डेफिनेटली जा सकते इस पर्सन के साथ 100% मैं बोलूँगी। ये बहुत ही सुलझे हुए पर्सन है, ज़्यादा बात करना इनको अच्छा नहीं लगता है, ये शांत शांत रहते हैं, बट इनके मन में बहुत गहरा अनकंडीशनल ट्रू लव आपको लेके। और हो सकता है इस पर्सन को भी समझ में आ जाए आगे चलकर, क्योंकि यहाँ पे किसी के अवेकनिंग की बार बार एनर्जी आ रही है। हर्मिट में भी मैं थोड़ी अवेकनिंग की एनर्जी कंसिडर करती हूँ, यह मैजिशियन भी है, हाई प्रिस्टेस भी है। यहाँ पे किसी को तो ये रियलाइज होने होने वाला है कि आपके साथ उनका क्या कनेक्शन था, आपके साथ उनका क्या रिश्ता था, और सडनली उनको ये भी या आपको भी समझ में आएगा, उनको भी समझ में आएगा कि यही पर्सन आपको डेस्टिनी ने दिया था। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपके लाइफ में सारी खुशियों की वो बोलते ना तिजोरी इस पर्सन से ही जुड़ी है, और ये पर्सन देगा, स्टेबिलिटी देगा, इक्वल गिव एंड टेक देगा, वैल्यू रिस्पेक्ट सब कुछ देगा। यहाँ पे मोस्टली लोगों का मुझे लगता है कि हाई वाइब्रेशन सोलमेट आपको, आप एक दूसरे के स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट भी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, मेडिटेशन करते हो या फिर हीलिंग एनर्जी वर्कर आप हो, लाइटनर आप हो, होमलिंग में कर रही हूँ, तो यहाँ पे ना ऐसे लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये आपके स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट है, मतलब आपके काउंटर पार्ट की भी आपके लेवल पे ही अवेकनिंग हो चुकी है, समझ गए हैं, और आप वहाँ उस एनर्जी लेवल पे जाके डील करेंगे एक दूसरे को। मतलब साथ तो रहेगा ही रहेगा, बट एनर्जी से भी आप हाई वाइब्रेशन में जाएंगे। पता नहीं किसके लिए मैसेज आया, बट ये आया मुझे मैसेज। हाई प्रिस्टेस को क्लेरिफाई करती हूँ, आर्कएंजल माइकल थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल मैसेज, प्लीज़ हेल्प मी फॉर क्लेरिफिकेशन। हाई प्रिस्टेस आर्कएंजल माइकल प्लीज़ क्लेरिफाई, हाई प्रिस्टेस को क्लेरिफाई कर रहा है कौन, टू ऑफ कप, ट्विन फ्लेम है ये अवेकनिंग, ये आपको भी समझ में आ जाएगा या फिर आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, हाँ तो उस पे मैं उस टॉपिक में, ओह माय गॉड क्या है, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कर रहा है लवर, आर्कएंजल माइकल प्लीज क्लेरिफाई, हर्मिट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। जैसे आप अपने ऊपर टाइम देंगे गाइस, खुद की जैसे सर्च करेंगे ना आप, तो आप इस एनर्जी में आएंगे, सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे। हर चक्र आपका कंप्लीट ओपन हो गया है आगे फ्यूचर में, अभी इस प्रोसेस में ही आप है। अगर ये जैसे कि होता है ना कि एक रिश्ता लाइफ में गलत निकलता है तो हम अपना हर चक्र ब्लॉक कर लेते हैं, जबकि यूनिवर्स हो सकता है कभी कभी हमें जो पार्टनर हम डिजर्व करते हैं वो हमें अलाउ करता है या फिर देता है, बट हमारे कुछ ब्लॉकेजेस रहते हैं इसलिए हम लोग रिसीव नहीं कर पाते। किंग ऑफ कप की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल दिस स्टेज में, आर्कएंजल माइकल मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो उस टॉपिक में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी गाइज आपको, ये कार्मिक सोलमेट, लव सोलमेट, हाई वाइब्रेशन सोलमेट, ट्विन फ्लेम क्या रहते हैं, क्यों कनेक्ट होते हैं, मैं उस पर एक नॉलेज का एक वीडियो डेफिनेटली लाऊंगी, पहले मैं देख लूँ कार्ड। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल तो लगते हैं ये पर्सन, इनकी देखिए प्यार तो है बट अट्रैक्शन भी बहुत है। ये पर्सन तो जिस तरह से आप बना रहे हैं ना खुद को, ये देखिए इस पर्सन का प्यार दिन ब दिन तो बढ़ेगा आपको लेके। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, फोर ऑफ वैंड्स, मैं पहले भी मैं शफल करके रख सकती हूँ गाइज, बट यहाँ पे ऐसा ना कि जब मैं शफल करती हूँ तो आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगता है वीडियो को बड़ी बन जाती है, बट ये सामने मैं शफल कर देती हूँ ताकि मैं आपकी एनर्जी से जुड़ जाऊँ। फोर ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। हाई वाइब्रेशनल सोलमेट एंड क्या मैं बोलूँ, यहाँ पे नाइन ऑफ
कप को क्लेरिफाई कर रहा है स्टार, विश फुलफिलमेंट, वही एनर्जी बार बार आ रही है, है आपका जन्म जन्मांतर का आपका प्यार है। सन की एनर्जी क्लेरिफाई करें आर्कएंजल माइकल। बर्डन जो था लाइफ में आगे फ्यूचर में भी रहेगा वो हट जाएगा, बर्डन कैरी नहीं करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पर्सन के साथ जुड़ते ही ये बर्डन वर्डन सब कुछ हट जाएगा, कोई बर्डन नहीं रहेगा, ये सन काट देगा सारा बर्डन। यहाँ पे एक मिक्स एनर्जी क्या आती है, लवर को क्लेरिफाई कर रहे पेज ऑफ सोर्स एंड फोर ऑफ कप। देखिए डेफिनेटली ऐसा लगे बीच बीच में कि जैसे कि मुझे लगता है ये आपके मिला तो आपको अपना ही ये ट्विन फ्लेम है या फिर ये आपके हाई वाइब्रेशन सोलमेट है, बट पता नहीं है आप पास्ट वाले पर्सन को स्टॉक करेंगे आगे, आपको लगे इनके साथ कुछ आपका छूट गया है, ये थोड़ी आपकी मुझे मिक्सिंग एनर्जी थोड़ी गड़बड़ लग रही है, ऐसा ही कुछ है। ये आपका शायद ना अटैचमेंट है इस पर्सन के साथ, मतलब जिनको आप छोड़ के जाएंगे आगे नए पर्सन के साथ, या फिर कुछ लाइफ में जो कुछ भी घटा है ना आपके साथ, थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि आपको कि शायद कुछ छूटा है आपको, जो एंडिंग हुई थी ना आपके लाइफ में तो उस एंडिंग की कुछ ना कुछ कीमत आपको देनी पड़ी है, कुछ तो छोड़ना पड़ा है। डेफिनेटली एक रिश्ता अगर आप छोड़ेंगे और अगर ये काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ रिश्ता रहता है तो थोड़ी बीच बीच में एनर्जी हो जाती है इसे। फ्यूचर में तो इस पर्सन की एनर्जी लगती है आपके साथ सब कुछ अच्छा बनाने की, बट ये स्टॉकिंग की एनर्जी भी रहेंगी, जैसे कि आप कहीं और से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहे किसी को लेके, और फिर अपने आप अंदर ही अंदर अकेले अकेले में आप ही अकेले रह के दुखी रहेंगे, ऐसी एक एनर्जी मुझे आ रही है। मैजिशियन को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स, बट ये मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, आप अपने आप को फिर ट्रांसफॉर्म कर देंगे। मुझे लगता है कि आप हीलिंग वगैरह बहुत कर रहे हो खुद की, और आपको पता है कि खुद को कैसे लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में लाना है, ये आपको अच्छे से पता है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, टावर, कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहेंगे ना आप अगर इस पर्सन के साथ, तो इंफॉर्मेशन निकालिए इस पर्सन के। देखिए लवर की एक एनर्जी क्या रहती है ना कि एक पार्टनरशिप जैसी कुछ बनती हुई, ऐसी एक एनर्जी। अगर आप जो पर्सन आपके साथ जुड़े हैं, अगर आपने कोई काम इनके साथ शुरू करना चाहते, मुझे लगता है किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, इस पर्सन के साथ आप फ्यूचर में कोई काम करना शुरू करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये वॉर्न मैं करूँगी कि आप जो भी काम करेंगे उसकी अच्छे से इंफॉर्मेशन निकालिए, अदरवाइज कुछ मनी लॉसेस मुझे होता हुआ दिख रहा है, और वही आपको लगे कि कुछ अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी, शायद मनी का लॉस होता हुआ मुझे दिख रहा है, या फिर ये हो सकता है कि जो पर्सन आपके साथ जुड़े, यस डेफिनेटली इंटेंशन इनकी ट्रू है, सब कुछ है, बट यहाँ पे कुछ एक आती है एनर्जी कि इंफॉर्मेशन आप नहीं निकाले, फिर बाद में आपके सामने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाए जिससे आपको हो सके कुछ पछतावा हो, जिस स्टेबिलिटी की आप खोज कर रहे हो वहाँ पे ऐसा लगे कि आपको फिर से एक टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया है। तो देखिए 100% इस पर्सन की एनर्जी जेन्यून है, ट्रू है, या आपके हाई वाइब्रेशन सोलमेट ट्विन फ्लेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ है, बट ये बातें होगी एनर्जी लेवल की, ये बातें होगी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, ये बातें होगी आध्यात्मिक लेवल की। जब हम लोग मटेरियल लाइफ से जुड़ते हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिकल थिंक प्रैक्टिकल थॉट लेना ज़रूरी है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको खुशियाँ देगा, सब कुछ देगा, स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे बार बार अगर एंजल बोल दे कि आपको कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है, आप थोड़ा सर्च कीजिए, हो सकता है आगे चलकर आपको फिर से कोई लॉस ना हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी है गाइस, इसीलिए ये किसी एक के लिए पर्सनल मैसेज तो नहीं हो सकता है, जनरल रीडिंग है, मैंने बोला है कि किसी के लिए तो ये डेफिनेटली किसी के लिए मैसेज जाएगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल यहाँ पे,
मेंटल पीस। अब किसी के रिश्ते में तो दिख रहा है मुझे मेंटल पीस आता हुआ, यहाँ पे किसी के लिए ही मुझे लग रहा है कि कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है यही एनर्जी यहाँ से थोड़ी बहुत ये जा रही है, बर्डन आ रहा है या आ रहा है, तो एक किसी के लिए जा रहा है मैसेज कि आप जुड़े, यस ये पर्सन प्यार तो करते हैं आपसे, सब कुछ करते हैं, यहाँ पे कोई चीटिंग की एनर्जी नहीं आई गई, यहाँ पे कोई आपको धोखा दे रहा है ऐसा नहीं है, बट कोई कुछ तो इन्फॉर्मेशन आप निकालिए, हो सकता है अगर आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए हो सकता है आगे चलकर आपको कुछ लॉस हो सके। बॉटम ऑफ द डे का फिर सिक्स ऑफ पैंट्स है, बट ये पर्सन आपको कंप्लीट मेंटल पीस तो देंगे, एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं, बट एंजल आपको गाइड भी कर रहे हैं, एंजल आपको वॉर्न भी कर रहे हैं, आपको ये मैसेजेस लेना है। चलिए देखते हैं अब एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं, अब तो ये तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये पर्सन तो मानते हुए विक्ट्री भी होगी आपकी, ब्लेसिंग भी होगी, बट अभी लाइफ है तो चढ़ उतार तो रहते हैं लाइफ में, अप डाउन तो होते रहते हैं, किसकी लाइफ यहाँ पे इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड गई है, सबके लाइफ में होता है, तो इतना डरना नहीं है लाइफ में, सज्ज रहना है हर चीज के लिए। सॉल्यूशन को आप प्रॉब्लम को आप अगर सच में एक समस्या लेकर ही डील करेंगे ना गाइस, तो प्रॉब्लम सच में बहुत बड़ा हो जाता है, बट प्रॉब्लम के साथ आप हमेशा सॉल्यूशन रेडी रखेंगे ना, तो प्रॉब्लम कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रहती, थोड़े टाइम के लिए अफेक्ट होता है बट बाद में सॉर्ट हो जाता है सब, इसलिए हमेशा मैं बोलती हूँ पीसफुली जाना है, आपका हाइपर होके आपका एंजाइटी लेके आपका स्ट्रेस लेके कोई चीज़ें तो वैसे भी सॉर्ट नहीं होने वाली है, तो थोड़ा पीसफुल ही आपको लेके जाना है, क्योंकि शांत मन से जो कुछ भी सोचते तो काफ़ी सही सॉल्यूशन मिल जाते हैं। डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देंगे, आपने तो एनर्जी खुद ही निकाली है, तो आप मुझे प्लीज़ गाइड करें कि आप क्या गाइड देंगे, क्या गाइडेंस देंगे। आई एम सो टायर्ड गाइस, टेक अ एक्शन, एंजल बोल रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज, ये कॉम्प्रोमाइज किसके लिए लग रहा है, शादी को ऑलरेडी कई साल हो गए हैं और बीच में कुछ ऐसा टावर मोमेंट आ गया था, अभी हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी की मुझे कोई एनर्जी नहीं आई है, बट किसी कारणवश हो सकता है टावर मोमेंट, अब थर्ड पार्टी हो भी बट आज एनर्जी नहीं आई, क्योंकि हो सकता है ये पास्ट में एनर्जी चली गई है, तो और ये पर्सन आपसे जुड़ रही, क्योंकि क्वेश्चन क्या था कि ये पर्सन आपसे जुड़ रही, इनके इंटेंशन एंड फ्यूचर, तो इसीलिए यहाँ पे थर्ड पार्टी की कोई एनर्जी नहीं आई, बट कुछ तो ऐसा हुआ था ये बोल रहे हैं एंजल, अगर सच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था तो वहाँ पर आप एक्शन ले सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और आपके लिए इम्पॉसिबल है कि फिर से कोई एक्शन लेना, नई स्टार्ट करना, तो वहाँ पे एंजल बोल रहे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके आपकी चीज़ें सॉर्ट हो जाए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, अगर मैंने बोला ना अगर पॉसिबल है तो आप न्यू डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं, हाँ अगर आप दोनों में कम्युनिकेशन क्लियर, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड तो यहाँ पे डेफिनेटली आया था, कम्युनिकेशन तो आप क्लियरली करते हैं बट फिर भी कुछ चीज़ों के लेके आप अभी हिचक रहे हैं, बात अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं एंजल कि आप थोड़ा क्लियर कट बोलिए, अब मैंने थोड़े ज़्यादा ही मैसेज लिए क्योंकि एंजल्स ने दे दिए इतने मैसेज, और आप अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है तो यहाँ पे मेडिटेशन कीजिए, लोगों की चैरिटी कीजिए, चैरिटी करने से ना काफ़ी ब्लॉकेजेस हमारे हील हो जाते हैं और अपने आप में अब हमारा ऑरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हाँ अगर सच में रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है, आप नहीं रह सकते हैं, इस पर्सन ने बहुत गलत किया है आपके साथ, यहाँ पे एंजल क्या बोल रहे हैं आपको, आप इनको छोड़ के जा सकते हैं, आपको ऐसे रिश्ते में रहने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके आपकी चीज़ें सॉर्ट हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत लगेगी, मेडिटेशन की, और वैसे भी नहीं होता मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता तो क्या करना है, चैरिटी,
ब्लॉकेजेस हट जाते हैं तो मेडिटेशन में ध्यान लगता है, फिर एनर्जी ऐसे आती कि थोड़ा बहुत अगर कॉम्प्रोमाइज़ में कर लो तो मेरी लाइफ सॉर्ट हो जाए, ऐसे भी एनर्जी है। बट अगर नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, कम्युनिकेशन कर लिया है और आपको कम्प्लीटली पता है कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है और आपके लाइफ में ऑलरेडी एक नया कोई सोल्यूशन है, कोई ऑप्शन है, तो आप उस डायरेक्शन के साथ आप जा सकते हैं। इस रिलेशनशिप में आपको रहने की ज़रूरत नहीं, आप एक्शन ले सकते हैं अपने आप के लिए। क्योंकि बॉटम ऑफ द डे अगेन वन गुड मैसेज है, देर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए अच्छा ही अच्छा है। कैसे भी जा सकते हैं, एंजल बोल रहे हैं, अगर रहना है तो कैसे रहना है और अगर नहीं रहना है तो क्या करना है। ओके गाइस, कैसे लगी रीडिंग डेफिनेटली बताना, चैनल पे इसी तरह से बने रहना और अपना ढेर सारा प्यार देते रहना और बोलना कमेंट करके कि किस किस के लाइफ की ये स्टोरी है। तो डेफिनेटली बोलना, ये आपका अपना चैनल है, बहुत ज़्यादा वेलकम। पहले दिन से लोग मुझे जुड़े हैं, आज भी जुड़ रहे, सभी लोगों का वेलकम टू अवर फैमिली। यस, ये आपकी अपनी फैमिली है। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।